बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस इज मन्ना खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्ना खान ब्लॉग। अभी मैं जस्ट जू के सामने ही हूँ और काफ़ी लेट हो गया हम लोग को आने में। एक्चुअल में मेरे मित्र हैं, वो भी आए थे, तो हम लोग जा रहे हैं अभी जू के अंदर। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे कोई आइडिया है नहीं। और आज 26 तारीख है तो जान ही रहे, आज सरकारी हॉलीडे है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अंदर का कैसा है, किस तरह से है, मुझे कोई आइडिया है नहीं। तो अभी जस्ट हम लोग मास्क लिए हैं क्योंकि मैं मास्क लाना अपना भूल गया था और ये लोग भी मास्क नहीं लेके आए थे। और अंदर जाकर पता चला कि बिना मास्क की एंट्री नहीं है। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर और देखते हैं अंदर का क्या है। और आप लोग को मैं भीड़ भी दिखा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, इतना कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और रोड पूरा यहाँ का पूरा रोड भी जाम है। अभी जस्ट मैं यहाँ, अभी मेरे पीछे देख भी सकते हैं, पूरा का पूरा गाड़ियाँ जा रही आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा जाम है। उधर बात करने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो अब चलते हैं हम लोग अंदर और देखते हैं कि कितनी भीड़ है और क्या क्या है अंदर जू में। मतलब ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे कोई आइडिया है नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं। टिकट का पता चला है, टिकट का ये है कि आप 4:30 के पहले अगर आते हैं तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रुक सकते हैं आप कितनी देर, ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी अच्छा व्यू है, अंदर काफ़ी जानदार बना व्यू है। और मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। मेरे साथ मैं हूं और ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है राजन, और यही आज आए हैं घूमने के लिए। और इनके साथ कुछ और लोग भी हैं। तो अब हम लोग अंदर आ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ पे एंट्री ही में काफ़ी अच्छा पार्क जैसा है, लोग बैठे हैं उसी पे, घास वास है उसी पे लोग बैठे हैं। और अब अंदर जाके हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी कुछ इंस्ट्रक्शन है वो भी देख लेते हैं। भालू देखने गए तो वहाँ पे पता चल रहा है कि उसमें एक वाले में देखा कि भालू सोया हुआ था। ठीक है, वहाँ पे तो दिखा, लेकिन जस्ट सेकंड वाले में आ रहे हैं तो यहाँ पे भालू ही नहीं दिख रहा है। पता नहीं, आधे जगह पे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं है। और जो पक्षी वाले हैं, पक्षी वाले तो मैंने देखा कि वो अच्छा है, आप आके देख सकते हैं। लेकिन भालू वाले में थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि एक ही भालू है लग रहा है मुझे, और जिसकी वजह से वो शायद अंदर था तो दिखाई नहीं है। अब देखते हैं और आगे जाके और क्या क्या है यहाँ पे। और अच्छा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा बना हुआ है अंदर, आपको बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह भी है, घास भी है, ये आप उस पर बैठ सकते हैं। और बैठने के लिए यहाँ पे चौतरा टाइप में भी है जो कि अच्छा है। और सिक्योरिटी आज के दिन बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है क्योंकि बाहर भी डबल स्टार ट्रिपल स्टार सभी लोग यहाँ पर हैं कि कोई भी बात होती है तो वो लोग कंट्रोल कर लेंगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा आज, मतलब कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है एक्सपीरियंस, तो मुझे इसको देख काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे कि किसी भी प्रकार की बदतमीजी ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है, आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर और आगे जाके देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे। और भीड़ देख रहे हैं, मेरे पीछे भी है, बाकी लोग अभी आगे जा रहे हैं और काफ़ी एरिया में काफ़ी बड़ा है। तो अब जा रहे हैं देखने के लिए और आगे। जस्ट यहाँ पे हिरन है और हिरन वहाँ पे अंदर है जो कि दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, लेकिन यहाँ पे एक बैठा हुआ है, देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
जस्ट मेरे पीछे लेपर्ड है तेंदुआ, और हम लोग उसी को देख रहे थे। वो जस्ट उसके जस्ट बगल ही वाले जाली कह लीजिए, उसमें एक बिल्ली जैसा था, पता नहीं मैंने उसका नाम नहीं पढ़ा। वो उसको देख के इतना बेचैन है कि कब अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं उसको खा लूं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जस्ट ये मेरे पीछे तेंदुआ वाला जो है सेट जो है ये है। और अब हम लोग आगे जा रहे हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या है आगे। शायद शेर का ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं जो भीड़ जमी हुई है, ये शेर वाले पे है। तो अब हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है कैसा है, क्योंकि मैंने भी अपनी रियल लाइफ में मैंने अभी आज तक शेर नहीं देखा है इतने मतलब कि करीब से। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। जस्ट सामने शेर है और वो तेंदुए को देख रहा है, तेंदुआ वहां पे देख रहा है शेर को। एक बार इधर आ जाओ भाई, आई साहब उसके सर सकल तो देखो भाई कितना बड़ा है यार। हम नजदीक से फर्स्ट टाइम मैंने देखा ये चीज, देख रहे हैं भाई एक्सपीरियंस एक अलग लेवल के। अभी हम लोग देखने आए हैं शेर को, तो मैं दिखाता हूँ। जस्ट अभी हमने पीछे टाइगर भी देखा, शेर भी देखा, और काफी शेर थोड़ा सुस्त था, लेकिन भाई पास से देखने का जो एक्सपीरियंस है ना वो क्या बताऊं, मतलब क्या लाजवाब है। और जो टाइगर का है देखा तो मैं देखता ही रह गया, काफी इंटरेस्टिंग बॉडी है भाई। बॉडी उसका स्ट्रक्चर और चेहरा काफी बड़ा है, देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे गले लगा ले, लेकिन जानते ही है क्या होगा उसके बाद। तो मुझे काफी अच्छा लगा, आप लोग भी आइएगा तो जरूर देखिएगा, आप लोग भी काफी अच्छा लगेगा यहाँ पे। और अब हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे शायद जेब्रा है, जेब्रा हाँ जेब्रा है, हालांकि जेब्रा मुझे दिख नहीं रहा है, ये केबिन जस्ट जेब्रा का है। तो अभी तक हम लोग को कहीं जेब्रा तो दिखा नहीं, तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं, शायद अंदर होगा वहाँ पे शेड। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, देख रहे हैं वहाँ पे शेड जैसा बना हुआ है, जो आप हर जानवरों के केबिन का एक शेड बना हुआ है जहाँ पे वो जानवर जाके आराम कर सकता है या फिर बाहर धूप में टहल सकता है। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, हर चीज़ को देख के बनाया गया है। और अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है आगे। शायद दरियाई घोड़ा क्या कहते हैं उसको, हिप्पो, हिप्पो कहते हैं ना, हाँ हिप्पो वो है। तो अब हम लोग वो भी देखेंगे। मगरमच्छ भी देखा, क्रोकोडाइल यहाँ पे वो भी है, और काफी ज्यादा हैं, सब के सब बाहर बैठे हुए थे मतलब पानी में से बाहर निकल के। तो काफी अलग लेवल का एक्सपीरियंस था, आप भी आइएगा तो जरूर देखिएगा। सबसे अच्छा तो मुझे लगा तेंदुआ के, वो सॉरी वही टाइगर और लायन के पास वाले सेट पे, वहाँ पे मतलब एक अलग ही लेवल का एडवेंचर था। वो इतने नजदीक से मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो मुझे काफी अच्छा फील हुआ। और यहाँ पे अब शाम घर में हम लोग जा रहे हैं, तो वो भी देखते हैं। ये रहा, आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा, तो अब हम लोग इसमें जा रहे हैं और यहाँ पे भी देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार के सांप हैं।
जो साइड में अभी हम लोग गए वहाँ पे ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे नाग दिखा, भारतीय अजगर और एक और था कुछ, वो तीन ही बस, बाकी के जो भी केबिन थे सब के सब खाली थे। अब पता नहीं खाली थे कि उसमें अंदर था, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बहुत ही अजीब था वहाँ पे। जो मैं देखना चाहता था वो नहीं था, तो अब वहाँ पे मैं कुछ देखने जा रहा हूँ क्या है। काफी लोग वहाँ पे खड़े हैं, देख ही रहे हैं, वही मैं देखने जा रहा हूँ कि वो क्या है। तो चलिए दिखाता हूँ। भैया आपको तितली घर कैसा लगा? ये भी तितली नहीं है, कैसा लगेगा? तो वहाँ पे हम लोग अंदर गए तो यहाँ पे एक भी तितली, अंदर एक सिंगल तितली भी हम लोग को देखने को नहीं मिला। कितनी तितलियां घूम रही थी, वो बात अलग है कि कुछ और तितलियां थी, लेकिन सिंगल तितलियां हम लोग को देखने को नहीं मिली। वापस तितली घर नाम का था, हम लोग अंदर गए और वापस चले आए। जो सेड है ये एक्वेरियम का है, और यहाँ पे देखते हैं कि बीच पॉइंट होते हैं कि कैसा। अब तो अंदर जाने के बाद ही फीलिंग का पता चलेगा कि मछलियां है भी कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। सब में मछलियाँ थी और सब डिटेल के साथ उसमें था कि कौन सी मछली कौन है, क्या नाम है उसका, कहाँ की प्रजाति है, ये सब कुछ था उसमें। तो अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो काफ़ी उनके नॉलेज में मतलब कि हेल्प करेगा, ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है भीड़ यहाँ पे था, शेर वाले केबिन में था, और जो टाइगर था वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ था। ये तीन जगह मैंने ज़्यादा भीड़ देखा। हिरन वाले पे भी भीड़ थी, लेकिन हिरन थोड़ी दूरी पे थे तो लोग वहाँ पे ज़्यादातर नहीं गए, लेकिन हिरन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे। और इसके आगे अब कुछ है नहीं, यही एक्वेरियम ही लास्ट था, उधर हम लोग घूमते हुए अब यहाँ तक आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे, क्योंकि हम और राजन पहले हैं मतलब आ गए, और जो बाकी लोग हम लोग के साथ आए थे वो लोग अभी शायद पीछे ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे, अपना फोटो वोटो खींचेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे वहाँ से। पीछे जो सेट लगे हुए हैं यहाँ पे, जैसे आसपास के जो जिले हैं उनका कुछ स्पेशलिस्ट जो सामान वहाँ पे मिलता है उसके बारे में, जैसे देवरिया ये सब चीज़ का स्टॉल टाइप में लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ के बारे में बताता है कि यहाँ पे क्या क्या है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जब हम लोगों ने एंट्री किया तो ये टिकट था हम लोग का, पता नहीं आप लोगों को सही दिख रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें हम लोगों ने टोटल हम लोग 6 लोग आए थे, जिसमें से 2 बच्चे हैं और बाकी 4 लोग बड़े हैं। टोटल हम लोग का 250 लगा है। अब इसमें किस रेट से है मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा है, शायद आई थिंक 25 रुपया शायद बच्चों का है, 25 है ना, 25 रुपया बच्चों का, 25 और बच्चों का 25 है, और जो बड़े लोग हैं उनका 50 रुपया है। तो इस चीज़ को आप भी ध्यान में रखिएगा, अगर आपके साथ छोटे बच्चे आते हैं उनको बच्चों ही वाले टिकट दिलवाइएगा। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।